नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि विधानसभा की तैयारी चल रही पूरे मध्य प्रदेश में और लोग जो है एक से एक जो है नए मुद्दे लेकर सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार जो बता दें कि विधानसभा 80 सिंगरौली में भी तैयारी जोरों पर है और यहाँ पर जो है इस बार जो है आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। बहरहाल आपको बता दें कि जो सिंगरौली में जितने भी यूनियन ट्रेड यूनियन है उनके जितने भी यूनियन के मेन जो अध्यक्ष हैं जो नेता हैं सारे एक हो गए हैं और पूरी बैठकर जो है सहमति बनी है। और आज जो था सूर्य किरण में जो है प्रेस वार्ता थी, आई सीधे जुड़ते हैं हम ओवी मालिया जी के साथ में, उनसे जानने का प्रयास करें उनका पद क्या है और नाम क्या है पूरा। क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश मालवी, मैं राष्ट्रीय कोली श्रमिक संघ इंटक का नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ पे प्रेस वार्ता था उसका उद्देश्य क्या था? आज ऐतिहासिक काम हुआ है। मध्य प्रदेश की ये सिंगरौली विधानसभा जो है ये मजदूर बाहुल्य श्रमिक बाहुल्य विधानसभा है और हमेशा से यहाँ पे जो चुनाव होते थे विधानसभा के, हर ट्रेड यूनियन के लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग के हिसाब से चुनाव लड़ते थे और लड़ाते थे। लेकिन इस बार सभी ट्रेड यूनियन के लोगों ने मिलकर जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या क्षेत्रीय स्तर के हों, सब लोगों ने मिल के हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे जो असंगठित मजदूरों की समस्याएं हैं, विस्थापितों की समस्याएं हैं, संगठित मजदूरों की समस्याएं हैं या क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर कोई भी काम कोई भी यहाँ जीत के आता है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो किसी पार्टी का, उस पर कोई विशेष ध्यान एकदम नहीं दिया जाता। यहाँ के सांसद और विधायक इसको चारागाह मान के चलते हैं और उसी हिसाब से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ट्रीट करते हैं। हम लोगों ने आज ये फैसला लिया है, आज के लिए ऐतिहासिक दिन है ट्रेड यूनियन के लिए, कि हम सभी लोग मिल करके एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे और जिस भी पार्टी जो यहाँ पे टिकट देगी उस पार्टी से हम लोग अनुरोध करेंगे जो है कि आप ट्रेड यूनियन के ही लोगों को टिकट दीजिए, जिससे कि हम सभी ट्रेड यूनियन के लोग मिल करके उसका समर्थन करके उस प्रत्याशी को जिताएं। और जहाँ तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कांग्रेस के खाते में टिकट जाएगा और कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने राष्ट्रीय कोली श्रमिक संघ के महामंत्री भाई वीरेंद्र सिंह बिष्ट को हम सब लोगों ने सर्वमत से ये निर्णय लिया है कि उनको हम लोग विधायक का चुनाव लड़ाएंगे। अगर पार्टियां नहीं सुनती हैं तो हम लोग उसके बाद फिर सभी ट्रेड यूनियन के लोग बैठक करके इस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अगले चुनाव में देखा गया था कि एटक से जो है अशोक दुबे खड़े थे और वो भी जो है चुनाव लड़े थे और हार गए। इससे पहले भी देखा गया कि संजय नामदेव जी है एटक से चुनाव लड़े थे, वो बिहार के थे। ऐसा कौन सा रणनीति बना कि सबको एकजुट होना पड़ा चुनाव लड़ाने के लिए? सब लोगों ने ये देख लिया पूर्व अनुभव के अनुसार कि अकेले कोई भी लड़ करके सफल नहीं हो पाएगा और इसी के तहत सभी ट्रेड यूनियन के लोगों ने गहन मंथन और विचार करने के बाद ये निर्णय लिया कि हम सब लोग मिल करके एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे। आपने सही कहा कि इसके पहले अशोक दुबे जी, अशोक पांडे जी, नामदेव जी, इन लोगों ने लड़ा, लेकिन इस तरह का कभी भी गोलबंदी नहीं हो पाई थी कि सभी ट्रेड यूनियन के लोग मिल करके उनका समर्थन करें जो है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है जो सभी ट्रेड यूनियन के लोगों ने मिल करके यह निर्णय लिया है, यह निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में खासकर सिंगरौली विधानसभा में रंग लाएगा, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सारी सहमति बन चुकी है, ऊपर जो है आलाकमान से बात भी हो चुकी है। अब मामला जो अटकता है कि आखिर आगे होगा क्या, अब ये समय बताएगा क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बार जो है चुनाव में कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ। सुनील सोनी, धन्यवाद।